हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आपकी या आपका मैरिज कब होने वाली है। दोस्तों, आपकी इंट्यूशन फॉलो करके इन तीनों में से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए। ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। दोस्तों, जिन्होंने पाइल वन को चूज किया है, आइए देखते हैं कब होगी उनकी शादी। दोस्तों, जिन्होंने पाइल वन चूज किया है, आप अपने मैरिज की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। आप मन ही मन में काफी तैयारी कर चुकी हो या कर चुके हो। दोस्तों, नाइट ऑफ शॉर्ट का कार्ड बता रहे हैं आपकी शादी जल्दी होने वाली है। इस साल या नेक्स्ट ईयर के विंटर में आपकी शादी होने की संभावना है। आपका शादी आपके घर से नॉर्थ की डायरेक्शन में होने की संभावना है। इस साल या अगले साल की दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आपकी शादी हो सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है या होने वाले हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होगा। दोस्तों, आपके पर्सन मेटेरियल ग्रोथ बहुत पसंद करते हैं। उनके पास काफी नॉलेज है और वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना पसंद करते हैं। वो लोगों से मिलने की बजाय अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो शादी से पहले आपके पर्सन के बारे में और थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। उन्हें बिना अच्छे से जाने डिसीशन ना लेना ही अच्छा होगा। दोस्तों, जिसने भी पाइल टू चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी शादी कब होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स। दोस्तों, आप लोग काफी इमोशनल हो और अच्छे मन की भी हो। आपकी शादी आपके घर से वेस्ट की तरफ होने क्वीन ऑफ कप बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर समर तक, यानी जून, जुलाई या अगस्त में आपका शादी हो सकता है। आइए देखते हैं आपके पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा।
दोस्तों, आपके या आपकी पर्सन बहुत ही खूबसूरत और तरक्की पसंद इंसान है। वो लोगों का अच्छे से केयर करना जानते हैं। कुछ ही समय में उनका करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ होने की संभावना है। उनमें काफी एक्शन टेकिंग एनर्जी है और वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है और हर काम अच्छे से सोच विचार करके करते हैं। उनमें अपने अंदर झांकने की कला है। हर काम के लिए वो अपने आप को बहुत अच्छे से परख लेता है। वो अपने करियर में काफी बैलेंस्ड है और वो एक अच्छे दिल का और बहुत स्पिरिचुअल इंसान है और उनके पास आर्कएंजल्स का सपोर्ट भी है। ये इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में इनके साथ आप बहुत ही खुश रहने वाली हो। दोस्तों, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी शादी कब होने वाली है। दोस्तों, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, आप लोगों की शादी अपने घर से साउथ की दिशा में होने की संभावना है। सेवन ऑफ वंड बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों की शादी बहुत जल्द लगभग 7 वीक्स के अंदर ही होने वाले हैं और आप में से कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग में यानी मार्च अप्रैल या मई तक होने की संभावना है। आइए देखते हैं आपकी पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा। दोस्तों, आपके पर्सन के पास काफी ज्यादा नॉलेज है और वो हर चीज को अच्छे से देख परख के करना पसंद करते हैं। हर चीज को, हर सिचुएशन को वो एक अलग नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, आपके पर्सन बहुत ही स्टाइलिश है और अपने लुक के ऊपर वो काफी नजर देते हैं। वो हर काम देख परख के और अच्छे से करते हैं और वो दिल के काफी अच्छे हैं। वो हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और काफी स्पिरिचुअल भी है। दोस्तों, वो काफी रिच है, उसके पास मनी अबंडेंस बहुत सारे हैं, मेटेरियल चीजों की कोई कमी नहीं है उनके पास और वो चाहते हैं कोई ऐसा हो जो दिल से उनको सच्चा प्यार करे। दोस्तों, उनके पास काफी नॉलेज है और वो उनके नॉलेज से लोगों को हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं। उनके आसपास के बहुत लोग उनकी बात अच्छे से मानते हैं और बहुत लोग उन्हें फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। वो अपने नॉलेज से हर वक्त लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उनके मन में आसपास के लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और इमोशन है। वो हमेशा सबका केयर करते हैं और फ्यूचर में आपके पर्सन आपको बहुत खुश रखने वाले हैं या वाली है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आए। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।